अध्यक्ष जी, ये बताइए कि राज्य में करीबन 2 लाख सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखबार में मैंने भी पढ़ा है, हेडिंग मैंने देखा, लेकिन अंदर में देखा नहीं है। यदि ये बात सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही चाहिए, और जो नहीं देते हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनको एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि आपको इस समय तक मौका दिया जाता है, और यदि समय तक मौका नहीं देंगे, तक नहीं आप जमा करते हैं, तो आप पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी या पदाधिकारी या कोई भी, आखिर संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं देना चाहते हैं? उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? आखिर इनकम टैक्स रिटर्न भी तो भरते होंगे, फिर उन्हें देने का आपत्ति क्या है? और यदि कोई आपत्ति किसी को है तो उसका मंशा ठीक नहीं है और उसके पीछे कोई कारण जरूर है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित होनी चाहिए।